सिंपल फूड्स को स्वागत है। मेरे सिंपल फूड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज हम सिंपल फूड्स में बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू। इसे कैसे बनाते हैं आज मैं आपको दिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप तिल, 1 कप गुड़, 1/2 टीस्पून घी, 1 पिंच इलायची पाउडर। पैन रख लेंगे, इसमें हम ये तिल डाल देंगे। इसको सिम पे रख के रोस्ट कर देंगे 1/2 मिनट तक। इसको चलाते रहेंगे। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप पैन रख लेंगे, इसमें एक गुड़ डाल देंगे। गुड़ में 2 से 3 स्पून तक पानी डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं। इसको अच्छा सा मेल्ट कर देंगे गुड़ को। चाशनी बना लेना है हमको। इसको चलाते रहेंगे अच्छा सा मेल्ट होने तक गुड़। देखो अच्छा सा मेल्ट भी हो गया है। अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा घी डाल लेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। गैस को सिम पे ही रखेंगे। अभी चाशनी इसी तरह बनना है। ये चाशनी में आप हम तिल डाल लेंगे, डाल के अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद गैस को 1/2 कर देंगे। आप इसको आधा मिनट तक थोड़ा ठंडा होने तक रखेंगे। ज़्यादा ठंडा हो तो हाथ जल जाएगा, इसलिए जितना हम गरम हाथ छी सकते हैं उतना ठंडा करेंगे। ज़्यादा नहीं ठंडा करना है, फिर नहीं तो लड्डू नहीं बनेगा। हाथ को थोड़ा घी या ऑयल लगा लेंगे। ध्यान से लड्डू बनाइए। थोड़ा स्पून से ले लेंगे। अब लड्डू बना लेंगे। इसको अच्छा सा प्रेस करके हमको लड्डू जल्दी जल्दी बनाना है, नहीं तो ये ठंडा हो गया तो मिश्रण लड्डू सही से नहीं बनते। इसी तरह लड्डू बना लेंगे। बन गए हैं हमारे तिल गुड़ के लड्डू। इसी तरह आप भी घर पे बनाइए। बना के वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।